नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात छपरा की, जहां पर मुबारकपुर गांव में मौजूद है। और जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये घर को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई खंडर है। जी नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये मुबारकपुर गांव के भीतर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। जी हाँ, एक अस्पताल है जो यहाँ पर बनवाया गया है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ इस अस्पताल के हालात क्या है, इसके अंदर क्या है। मैं कैमरामैन को बोलूंगी कि आप थोड़ा सा अंदर आए और यहाँ पर जूम करके दिखाए कि ये अस्पताल के अंदर बेड की जगह पेड़ पौधे पत्ते और गंदगी है। तो ये है मुबारकपुर के अस्पताल के हालात, और यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं और यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो अस्पताल है, यहाँ पर कितने लोग आते हैं और यहाँ पर कोई डॉक्टर वगैरह भी बैठते हैं या नहीं बैठते। चलिए, यहाँ पर काफी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कोई व्यक्ति सामने आएगा कैमरा। संतोष भाई, पति आवाज आए। अच्छा, ये अस्पताल ही है तो यहाँ पर, ये अस्पताल के भीतर तो बेड होते हैं, यहाँ पर ये सब क्या है कुछ बताएंगे आप? और सामने तो देख ही रहा है कि क्या चीज है, अच्छा नहीं है। थोड़ा आप अंदर आइए, हम थोड़ा अंदर जाकर देखते हैं कि ये जो अस्पताल है इसके अंदर और क्या क्या है। अंदर अस्पताल के भीतर, शायद हम ये पहले एक अस्पताल के भीतर मौजूद है जहाँ पर बेड की जगह डॉक्टर की जगह, यहाँ पर भूसा भरा पड़ा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गंदगी है। और यहाँ पर जैसा कि मैं देख सकती हूँ, एक दरवाजा है जो कि लॉक है और इसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ आपको गंदगी मिलेगी। यहाँ पर कोई मरीज नहीं मिलेंगे, यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गंदगी है। तो जो ये अस्पताल है, इसके बारे में हम यहीं के ग्रामीणों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर इन गांव वालों ने किसी को शिकायत दर्ज की, इसके बारे में क्या कुछ किया है यहाँ के ग्रामीणों ने। चलिए सीधा उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, आपने हमें अस्पताल के अंदर भीतर लेके गए और आपने दिखाया कि क्या हालात है, तो आप ही सामने आइए और आप ही बताइए कि इसके ऊपर क्या कहेंगे। आपके गांव वालों के लिए इतने अच्छे इंतजाम किए गए, इतने अच्छे अस्पताल बनाए गए, इसके ऊपर क्या राय है आपकी? क्या राय है, वो तो ऑलरेडी विधायक जी भी देख चुके हैं जी, उनको भी बताया गया, सब संज्ञान में है। तो जब आपने ये अस्पताल, कैमरा में बस हाँ देखते हैं, बोलो। आंगनबाड़ी से हम लोग को कुछ नहीं मिला, आपसे पूछा जाएगा सर। गर्भवती हम गया दूध के लेने, दूध नहीं बोल पाता है, दूध नहीं आता है। हाँ, दूध नहीं आता है, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ तो तुम लोग लड़का नहीं देता। तो इसकी शिकायत आपने भी दर्ज कराई? हाँ, तो वही तो नहीं देता, मजदूरी नहीं देता है। आपने इस बात की शिकायत आपने अपने मुखिया जी से की? मुखिया जी से नहीं कहे हैं, अभी अभी। तो जब आप अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराएंगे तो आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा? ये बात हम मुखिया जी से नहीं कहे, ये बात सच है, मुखिया जी से नहीं कहे, हम खुद जो आंगनबाड़ी पढ़ाते हैं उससे कहें, और दूसरा से नहीं कहें। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, आप क्या कह रहे थे, आपकी क्या समस्या है, आपके गांव का कितना विकास हो और आपका खुद का? आप देख लीजिए ना, खुद विकास ही देख लीजिए ना। आंगनबाड़ी में हम 3-4 बार गए, बोले कि हमारे बच्चे को कम से कम जच्चा बच्चा का तो जो भी आता है वो दीजिए ना, तो सीधा माना कर दी मेरे पास नहीं है। वो बोली कि मेरे पास 8 बच्चे का सीट है और 8 बच्चे को ही मिलेगा, मेरा ऑलरेडी फुल है, 9वां बच्चे को नहीं मिल सकता, वो दी ही नहीं कभी। और उसके बाद में बोले हम अपने बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, बोल रही है कि 250 रुपये लगेगा, उसके बाद ही बने। ये बात ठीक है कहते हैं, हमारा बच्चा कभी नहीं बनाया। तो आप ये बताइए कि ये जो आपकी जो भी समस्या है, क्या आपने इस बात की जो कंप्लेन है वो आपने अपने मुखिया जी से? नहीं, उस टाइम में मेरे पास इसलिए हम कंप्लेन किसी को नहीं कर पाए। चलिए ठीक है।